नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स की घोषणा हुई है और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब लगातार दोस्तों तेजी से वीडियो जा रही हैं यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखो जिससे आपके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहें। और हाँ, आपका कोई सजेशन हो, आप चाहते हो किसी टॉपिक पर वीडियो देखना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर होनी चाहिए, उस पर वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड की स्थापना कब हुई? तो बाफ्टा बाफ्टा दोस्तों एक ब्रिटेन का एक टेलीविजन और फिल्म का अवार्ड है, ठीक है। ये एक एकेडमी है, समझ लीजिए, अवार्ड देने की एक एकेडमी है, जैसे ऑस्कर अवार्ड के लिए होता है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड एकेडमी होता है, जैसे इंडिया में फिल्म फेयर वगैरह होता है, ऐसे ब्रिटेन में बाफ्टा अवार्ड दिए जाते हैं। बाफ्टा अवार्ड की खासियत ये है कि ये फिल्म और टेलीविजन दोनों क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बाफ्टा की स्थापना हुई थी 1947 में, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, 1947 में बाफ्टा की स्थापना हुई, लेकिन 1949 में, 1949 में पहली बार बाफ्टा फिल्म अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ। कौन सा? बाफ्टा का फिल्म अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ। फिर आगे चल करके, पहले ये ब्रिटिश फिल्म अवार्ड या ब्रिटिश एकेडमी के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के नाम से, ठीक है। लेकिन 1949 के बाद से फिर 1955 आया और 1955 में ये टीवी के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, तो हो गया ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, ठीक है। तो यही इसका फुल फॉर्म भी होता है। अगला क्वेश्चन यही है, बाफ्टा का पूरा नाम क्या है? तो बाफ्टा का पूरा नाम होता है दोस्तों ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, यहाँ पर आर्ट कर लीजिएगा, आर्ट, ठीक है, ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, क्लियर। तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाफ्टा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है यूके में, कहाँ पर? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में कह लें। अगला, बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है? बाफ्टा के अध्यक्ष, तो बाफ्टा के अध्यक्ष हैं दोस्तों करंट टाइम पर प्रिंस विलियम। कौन है? प्रिंस विलियम जी हैं बाफ्टा के अध्यक्ष। पहले हम लोग बाफ्टा के बारे में बेसिक जानकारी जानते चल रहे हैं, इसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा कि बाफ्टा टीवी अवार्ड और बाफ्टा फिल्म अवार्ड दोनों में विजेता कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाफ्टा अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बाफ्टा अवार्ड, देखिए दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, फिल्म और टेलीविजन के लिए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आपको स्पोर्ट भी दिख जाएगा, गेम भी दिख जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो गेम जो होगा वो वीडियो गेम होगा, ठीक है। वीडियो गेम जो होता है, तो वीडियो गेम को भी अवार्ड से सम्मानित करता है बाफ्टा, ठीक है, यानी कौन सा वीडियो गेम कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके लिए भी ब्रिटेन का ये जो अवार्ड शो है ये उसको भी सम्मानित करता है। तो कभी कभी खेल भी आपको दिख जाएगा, तो उपरोक्त तो सभी आप लगा सकते हैं। वैसे जनरली अगर पूछा जाए तब आप फिल्म और टेलीविजन का ही बताएंगे, नाम लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर गेम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वो वीडियो गेम की बात हो रही होगी। अगला, 2021 में बाफ्टा टीवी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका 67वां यानी 67th एडिशन आयोजित किया गया अभी हाल ही में, ठीक है, जो अभी अवार्ड शो हुआ है, अभी अप्रैल 2021 में जो हुआ था वो बाफ्टा फिल्म का अवार्ड था, ये बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग हैं। अप्रैल 2021 में दिया जा चुका है बाफ्टा का फिल्म अवार्ड, लेकिन बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड ये दिया गया जून में, जून 2021 में। अगला, 2021 में आयोजित बाफ्टा टीवी अवार्ड की होस्टिंग किसने की? तो इसकी होस्टिंग की है दोस्तों रिचर्ड आयोडे ने। कौन? रिचर्ड आयोडे ने। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड, तो इसको जीता है दोस्तों इनसाइड नंबर वन ने। किसने? इनसाइड नंबर वन ने। अगला, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन सीरीज कौन सी रही, यानी कौन सी सीरीज को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिला था? तो ये स्मॉल एक्स को मिला था, ठीक है, स्मॉल एक्स को। देखिए नॉमिनेशन क्या होता है, अगर कोई जैसे कि अवार्ड शो है तो उसमें कई प्रकार के अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट कॉमेडी सीरीज, बेस्ट ड्रामा सीरीज, कई प्रकार की कैटेगरी होती हैं, तो उस कैटेगरी में कौन सी ऐसी सीरीज होती है, कौन सा ऐसा फिल्म होता है जो कई कैटेगरियों के लिए नॉमिनेट किया गया रहता है, ठीक है। नॉमिनेशन मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जैसे कि 5-7 फिल्मों की या सीरीज की लिस्ट होती है और नॉमिनेशन होता है और उनमें से किसी एक को दिया जाता है अवार्ड,
तो नॉमिनेशन मतलब उन लिस्ट में आना, और अवार्ड जीतने का मतलब है उस लिस्ट में टॉप पर आना। क्लियर? तो ये छोटा सा अंतर, इसको जान लीजिए। अगला देखते हैं, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट ड्रामा का खिताब किसने जीता है, बेस्ट ड्रामा का अवार्ड? तो इससे जीता है सेव मी टू ने। किसने? सेव मी टू ने, ये बेस्ट ड्रामा चुनी गई है। अगला, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस सीरीज ने जीता है, सबसे ज़्यादा अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। आई मे डिस्ट्रॉय यू, क्या? आई मे डिस्ट्रॉय यू, ये जो है, ये सीरीज जो है, ये सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता हुआ है। अगला, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है दोस्तों पॉल मेस्कल ने। किसने? पॉल मेस्कल ने। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने वाली कौन है? तो बेस्ट एक्टर जान लिए आप, बेस्ट एक्ट्रेस जीती हैं माइकेला कोएल। कौन? माइकेला कोएल, ये बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीती हैं। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब किसने जीता? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मलाकी किरबी ने जीता है, मलाकी किरबी ने। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो रॉकी आयोला ने जीता है, रॉकी आयोला ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट मेल कॉमेडी परफॉर्मेंस का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट मेल फीमेल मेल कॉमेडी परफॉर्मेंस अवार्ड चार्ली कूपर ने जीता है, चार्ली कूपर ने। अगला, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फीमेल कॉमेडी परफॉर्मेंस का अवार्ड किसने जीता है? फीमेल कॉमेडी परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता है एमी लो वुड ने, एमी लो वुड ने, इसी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट इंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट इंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड रोमेश रंगनाथन ने, रोमेश रंगनाथन ने, भारतीय मूल के हैं ये। अगला, बेस्ट न्यूज़ कवरेज का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट न्यूज़ कवरेज का अवार्ड जीता है दोस्तों किसने? स्काई न्यूज़ ने, स्काई न्यूज़ ने। ओके, वैसे बीबीसी जो है ये भी ब्रिटेन का ही न्यूज़ एजेंसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट स्पोर्ट का अवार्ड किसने जीता है? देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा, बेस्ट स्पोर्ट का अवार्ड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये टेलीविज़न के लिए और फिल्म के लिए दिया जाता है अवार्ड, तो ऐसा अवार्ड दिया जाता है जो सिनेमा में या फिर टेलीविज़न पर प्रदर्शित हो रहा हो। तो ऐसा कौन सा इवेंट था, ऐसा कौन सा स्पोर्ट का इवेंट था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ? ठीक है, तो इस बेसिस पर ये अवार्ड दिया गया है, बेस्ट स्पोर्ट का अवार्ड। ठीक है, इसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में जो टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था, तो उस टेस्ट क्रिकेट मैच को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, तो इस वजह से उस टेस्ट क्रिकेट के मैच को दिया गया है बेस्ट स्पोर्ट का अवार्ड। ठीक है, तो इसमें ये मत समझिएगा आप लोग कि ये खेल को दिया गया है तो जा करके खिलाड़ियों को मिलेगा अवार्ड, नहीं, ये जो खेल प्रदर्शित हुआ जो टीवी पर, इसलिए टेलीविज़न के लिए दिया गया है अवार्ड, क्योंकि ये बाफ्टा जो है ये तो टेलीविज़न और फिल्म के लिए ही देता है अवार्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये तो थे दोस्तों 20 क्वेश्चंस बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड से। बाफ्टा का फिल्म अवार्ड मैंने बताया जैसे कि ऑलरेडी दिया जा चुका है, और उस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, उसने याद रखिएगा आपको नोमैडलैंड, इसको नोमैडलैंड को दोस्तों सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं, और इसी को बेस्ट फिल्म भी चुना गया था, तो इसको आपको याद रखना है बाफ्टा फिल्म अवार्ड से। ठीक है, बाकी आप लोग डिटेल जानने के लिए वो वीडियो देख सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। आपका कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताएं, और आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ 199 में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर जाकर के। हिंदी का पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है स्टूडेंट को ये वीडियो कोर्स, आप भी ज्वाइन हो सकते हो, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।